नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, रियासना आपके साथ है। आज 23 मार्च है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड की 5 प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर, बजट सत्र के आखिरी दिन मंत्री ने की घोषणा, झारखंड के सभी +2 स्कूलों में स्थानीय भाषा की होगी पढ़ाई, पद सृजन कर शिक्षकों की होगी नियुक्ति। राज्य के सभी +2 स्कूलों में स्थानीय भाषा के शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन विधायक बंधु तिर्की के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि पद का सृजन कर सरकार जल्द ही बहाली भी करेगी। इसके साथ ही झारखंड में उर्दू शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। इसके अलावा +2 और प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य के मध्य विद्यालय में उर्दू शिक्षकों के 4,401 पदों में 3,642 पद रिक्त हैं। सरकार ने सदन में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी खबर, कोरोना पर विभाग सख्त, रांची में कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश। प्राइवेट हॉस्पिटल के 10% बेड कोविड मरीजों के लिए होंगे रिजर्व। रांची समेत पूरे राज्य में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद अब हेल्थ डिपार्टमेंट एक बार फिर से अलर्ट मोड में आ गया है। सभी जिले के DC को सख्त रुख अख्तियार करने का निर्देश दिया गया है। हेल्थ सेक्रेटरी के सोमन ने संक्रमण के नियंत्रण के लिए एक बार फिर राज्य के सघन जांच अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, क्लस्टर आदि की पहचान कर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी और साथ ही विशेष जांच अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं अगली खबर, स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 विधानसभा में अटका। विधेयक के पेश होते ही आए 22 संशोधन प्रस्ताव, त्रुटियों पर चर्चा के लिए बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया। कमेटी 15 दिनों में देगी रिपोर्ट। झारखंड के स्थानीय युवाओं के नियोजन से संबंधित राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया, लेकिन इसके पेश होते ही विधेयक में कई त्रुटियां सामने आई। 22 विधेयक ने संशोधन प्रस्ताव लाया था। इसके बाद CM हेमंत सोरेन ने इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का निर्णय लिया। कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वही अगली खबर, महिला क्रिकेट में नया नाम, बड़का गांव की बेटी राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट में मचा रही है धूम। बड़का गांव प्रखंड ढेंगा गांव निवासी प्रभु तिवारी की पुत्री 19 वर्षीय प्रीति तिवारी इन दिनों महिला क्रिकेट में राज्य स्तर पर रांची में अपने खेलों से धूम मचा रही है। मध्यम गति की तेज गेंदबाज प्रीति फिलहाल झारखंड राज्य अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम में प्रतिनिधित्व कर रही है। वही अगली खबर, CS ने भेजा रिमाइंडर, अलग जिला बनने के बाद हजारीबाग NHM ने रामगढ़ को दिए 3,15,00,000 गुजरने के बाद भी नहीं मिला हिस्सा। हजारीबाग से कटकर अलग हुए रामगढ़ जिला को तत्काल स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए हजारीबाग NSH राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 3,00,00,000 रुपए उपलब्ध कराए थे। उपलब्ध कराए गए राशि का ना ही खर्च और ना ही बचत का ब्यौरा हजारीबाग NHM को रामगढ़ जिला स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध कराया है। अंत में 15 साल के इंतजार के बाद हजारीबाग स्वास्थ्य विभाग ने इस राशि का डिटेल खंगालना शुरू किया है और सिविल सर्जन डॉक्टर संजय जायसवाल रामगढ़ ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर 3,00,00,000 की उपयोगिता एवं अवशेष का डिटेल मांगने की तैयारी में है। फिलहाल 5 प्रमुख खबरों में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त झारखंड की 5 प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए झारखंड बिहार से जुड़ी खबरों के लिए न्यूज़ PR पर बने रहें। धन्यवाद।